यीशु सरगला लौट जाते। जोन दिन परमेश्वर हर यीशु ला मरे माले जिलाए रहिस, ओकर दू ठन चेला मन लखठा के गांव मा जात रहिन। जात जात ओमन यीशु के संग मा जोन होय रहिस ओकर बारे मा गोठियात रहिन। ओमन ला विश्वास रहिस कि ओहर मसीह रहिस, लेकिन तभो ले घोले ओहर मार डाले गए रहिस। अब उ नारी मन गोठियात रहिन कि ओहर फेन ले जीवित हो गए है। ओमन नी जानत रहिन कि कौन गोइठला विश्वास करे बर है। यीशु हर ओमन के लखठा मा आके ओमन संग रेंगे बर शुरू करी, लेकिन ओमन ओला चिन्हे नी सकी। ओहर ओमन ले पूछिस कि ओमन काकर बारे मा गोठियात हैं। ओमन हर ओला पाछू के दिन मन मा यीशु के संग जोन होय रहिस उ सब घटना के बारे मा बताईं। ओमन सोचत रहिन कि उ कोनो परदेसी मन से ठी गोठियात हैं, जोन नी जानत रहिस कि यरूशलेम मा का होय रहिस। तहां यीशु हर ओमन ला समझाइस कि परमेश्वर के वचन मसीह के बारे मा का कहत हे। बनेच पहले भविष्यवक्ता मन हर कहे रहिन कि खराब मन से मन मसीहा ला दुख दिही और मार डारही, लेकिन भविष्यवक्ता मन हर इलाग होले कह रहिन कि ओहर तीसर दिन जी उठी। जब ओ मन उ नगर ला पहुँचिन जोन करा उ दोनों जन रुके बर चाहत रहिन, तब लगभग बेर बुड़ गे रहिस। ओ मन यीशु ला ओ मन के संग मा रुके बर कहिन। इकर बर ओहर ओ मन के संग मा एक ठन घर मा गिस। ओ मन अपन सांझ के खाना ला खाए बर बैठ गी। यीशु हर एक ठन रोटी ला लीस, ओकर बर परमेश्वर ला धन्यवाद दिस और फेन ओला टोरीस। अचानक ले ओ मन जान लेन कि ओहर यीशु रहिस, लेकिन ओइच बेरा ओहर ओ मन के आँखी ले ओझल हो गिस। उ दोनों जन एक दूसर ले कहिन ओहर यीशु रहिस। इकर बर जब ओहर हमन ला परमेश्वर के वचन ला समझात रहिस तो हमन बनेज खुश रहन। तुरतेज ओमन निकर के वापस यरूशलेम लागिन। जब ओमन पहुँचिन तो ओमन हर चेला मन ला बताइन यीशु जिंदा है, हमन ओला देखे हन। जब चेला मन गोठियात रहिन यीशु अचानक ले उ कमरा मा ओमन के संग प्रगट होइस। ओहर कहिस तू मन ला शांति मिले। चेला मन हर सोचिन कि ओहर कोनो भूत रहिस, लेकिन यीशु हर कहिस तुमन काबर डरत ह, तुमन इला काबर नी सोचत ह कि इहर सच मा मैं यीशु हूँ। मोर हाथ और गोड़ ला देख, भूत मन ठी ऐसने शरीर नी होय जैसन कि मोर ठी है। इला दिखाए बर कि ओहर कोनो भूत नी रहिस। ओहर खाए बर कुछ मांगिस, ओमन ओला मछरी के एक ठन कुटी ला दीन और ओहर ओला खा लिस। यीशु हर कहिस मोर बारे मा परमेश्वर के वचन जोन कुछु घोले कथे ओहर सब घटही। मैं हर तुमन ला बता दे रहे कि इकर होना जरूरी है। तहां यीशु हर ओमन ला परमेश्वर के वचन ला बढ़िया रीति ले समझाइस। ओहर कहिस बनेच आघु भविष्यवक्ता मन लिखे रहिन कि मोला मसीह ला दुख उठाए बर होही, मरे बर होही और फेन तीसर दिन मरे माले जी उठे बर होही। उ भविष्यवक्ता मन इला घोले लिखे रहिन कि मोर चेला मन परमेश्वर के वचन के घोषणा करिहिन। ओ मन हर एक झनला पश्चाताप करे बर बताही। अगर ओ मन ऐसनेच करिहिन तो परमेश्वर ओ मन के पाप मन ला क्षमा करिहिन। मोर चेला मन इस संदेश के प्रचार करना यरूशलेम ले शुरू करिहिन। तहां ओ मन सब जगह सब जाति मा जाहिं। तुमन मोर हर एक गोइठ और काम के साक्षी आ जोन मैं हर करें और कहे रहें और उस सब के घोले जोन मोर संग होइस। आही 40 दिन मन के समय मा यीशु अपन चेला मल्ला कई घा दिखाई दीस। एक घा तो ओहर एकेच समय मा 500 ले ज्यादा मन से मन ठी प्रगट होइस। ओहर अपन चेला मल्ला कई तरीका ले साबित करीस कि ओहर जिंदा रहिस और ओहर ओमल्ला परमेश्वर के
राज के बारे में शिक्षा दिस। यीशु हर अपन चेला मल्ला कहिस, परमेश्वर हर मोला सरग और पृथ्वी के हर एक के ऊपर शासन करे के अधिकार दे हे। इकर बर अब मैं तुमल्ला कहत हौ, जाके सब जाति के मनसे मल्ला चेला बनाव। ऐसने करे बर तुमन उमल्ला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ले बपतिस्मा दे बर हे। जोन कुछ घोले मैं तुमल्ला आदेश दे हौ, वो सब गोइट मल्ला मानिहा घोले तुमन ओमल्ला सिखाए बर हे। सुरता राखी हा, मैं हमेशा तुम्हार संग रिह। यीशु के मरे माले जी उठे के 40 दिन के बाद ओहर अपन चेला मल्ला कहिस, जब तक ले कि मोर पिता तुमल्ला सामर्थ्य नी दिही तब तक यरूशलेम मा रुके रिह। ओहर तुम्हार बर पवित्र आत्मा भेजे के द्वारा ऐसने करही। तहां यीशु सरग मा चल दिस और एक ठन बादर हर ओला ओमन के आँखी ले लुका दिस। सरग मा यीशु सब चीज मन ले शासन करे बर परमेश्वर के जौनी अंग बैठ गिस। मत्ती अध्याय 28 16 ले 20, मरकुस अध्याय 16 12 ले 20, लुका अध्याय 24 13 ले 53, यूहन्ना अध्याय 20 19 ले 23, प्रेरित अध्याय 1 1 ले 11 ले बाइबिल के एक ठन कथा।